guys, welcome back to my channel. This is Offering Shake and I'm back with the another reaction video which is on Round 12's Inception. और Inception means के एक तरह का आगाज, तो देखते हैं इनका आगाज। वैसे मैंने कई सारे वीडियोस देख चुकी है लेकिन आज मैं बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करूंगी, वीडियो स्टार्ट करती हूँ जल्दी से और देखते हैं इनका ये वाले वीडियो में मतलब क्या होने वाला है। थोड़ी शॉर्ट है वीडियो, सो लेट्स सी गाइज एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अबे क्या बात है, कलवा के लौंडे कैसे गरम पड़ लिया और बाप नहीं लगा लिया, बाबली गांड बोल लिया सीधा है तो बाबली गांडी। बेटे बैठ के बताओ। अबे बैठू कैसे, तेरे लौंडे ने छोड़ा को है बैठने लायक, मैंने भी मुंह पे मार लग पर सुअरों ने गांडी तोड़ी मेरी, सूजी बड़ी है बड़वे। कुत्ते ओवर एक्टिंग कर रहे हो बड़वा, अबे इतना मारूंगा कुत्ते, ओवर एक्टिंग इतनी बातें सुनाई गई, पठान लगता है इन लोगों ने एक तरह का ड्रीम देखा है। स्टार्टिंग का सीन इट वॉज हिलेरियस गाइस। तूने वही देखा जो मैंने देखा? अबे डर मत, कुछ ना होता है ऐसा, सपना बपना कुछ सच ना होता। लेट्स सी। साले सुबह के 5 बज रहे हैं और सुबह के 5 बजे का सपना सच हो गया है, तुझे पता ना कितना मारा उसे कलुए के लंडों को आपने। अब बीबी जी घर से निकाल देंगे, देख सपना सच हो जाएगा। ते मेरा कद्दू होगा सपना सच, पागल है ऐसा कुछ ना होता बाबला। कहते तू वैसे सही रिया यार, अपनी सुबह कब होती है बता? 12 बजे। और आपने ने सपना कब देखा? 5 बजे। तो अपनी सुबह तो 12 बजे होती है, तो अपने लिए तो सपना है ही नहीं। चीटिंग है ये तो, अपने लिए चीटिंग है जिंदी। मैं सो जाता हूँ, सही हो जा, मैं भी आ रही हूँ जरा वॉशरूम होके। और क्या पता आज के 15 मिनट का सच होता हो। रात तो 14,000 रुपए हिसाब था, ये 12,000 कैसे है? बीबी जी तुम्हारे पास दो कामयाब लोंडे है ना, उन्होंने ले लिए वो। अब इन दोनों लोंडो का यही है, इन्हें बाहर निकाल दूंगा। कैसे किया सर ने? क्या हुआ? बस साले बीबी जी को पता चल गई, कलुआ के लोंडे ने फोन पे बता दिया दिखा है। अबे क्या कह रही है ये? तो यूं कह रहे हैं इन्हें बाहर निकाल लूंगा। ओह गॉड, बीबी जी आ गए। बढ़िया बीबी जी, गुड मॉर्निंग बीबी जी, सब बढ़िया। बेटी 14,000 की मुसलियां मार रहा हो। अबे चल नाजिम, वो तो अच्छा हुआ 2,000 रुपए वाली बात निकली, दुकान पे जो मुसली मारी। अबे साले मुसली छोड़, अगर कलुआ का लौंडे यहाँ पे सही में आ गया, उसकी गांड तोड़ी है हमने सही करके, आ गया ना तो बाप अपना पक्का निकाल देगा घर से बाहर। अबे हाँ नाजिम, ये तो हमने सोचा ही ना। टेंशन मत ले, मैं कलुआ के लौंडे से बात करता हूँ, मैंने बहुत मारा था ना उसे, तो मुझसे डरेगा बहुत थोड़ा। कॉल करते ही सलाम करेगा, देख कॉल करते ही सलाम। लेट्स सी। हेलो बेटे। बोल भोपड़ी क्या? अभी पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, मैं नाम बताऊंगा। बेइज्जती हो गई नाजिम की। सलाम करेगा, सलाम पहले हाथ। बेटा मैं नाजिम बोल लिया हूँ। अबे भड़वे, मेरा कद्दू का नाजिम, दफा हो जा सूअर यहाँ से, मेरा कद्दू करा है तुझसे बात जंगली कुत्ते। अबे भड़वा है तू, भड़वा। कितनी गाली कलुआ के लोंडे ने कर दिए तुझे, बहुत अच्छे अच्छे सलाम। अब तू मेरी बात सुन, क्यों ना हम बीबी जी को मार देते हैं। बीबी जी तुम चाय क्यों बना रहे हो जी? बेटे तुम्हारी जो माँ है ना, कभी कभी खीरा डाल देती है चाय में। अरे बीबी जी खीरा छोड़ो, ये बताओ हरिद्वार कब जा रहे हो? बड़ी शानदार जगह नाजी। बेटी चौदह हरिद्वार में ही तो रहे मैं। ओह गॉड, और साले अपना घर हरिद्वार में ही तो है। अबे एक प्लान है मेरे पास। अरे फिर मार खाने गए। मूवी देख के ना रहे? देख ली। ओह शिट, ओह शिट। तो बीबी जी हम कैसे मान लें? अरे बाप रे, ये क्या पड़ेगी अब? सच में मान ली होगी, मारी ना होगी लेकिन तोड़ी जरूर होगी।
नाजिम ये सब छोड़ यार, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं जाता हूँ कलुआ के लोंडे के पास, मैंने कर दिया बीबी जी का कमरा लॉक। क्यों ना हम उसको यहाँ पे बुला के कुछ देर उसकी तुलाई करें, क्योंकि उसका यहाँ पे आना तय है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको जा रही हूँ बुलाने। लेकिन जैसी बैल बजे तू उसका सुअर भर दिए, चादर उड़ा के कुछ देर मारिए, एक आवाज मत सुनना, क्योंकि वो आवाज निकालने में बहुत एक्सपर्ट है। तेरी आवाज निकाल सकता, वो बीबी जी की निकाल सकता, यहाँ तक कि मेरी भी निकाल सकता, लेकिन साले की एक मत सुनिए, फेरते ही रहिए, कुत्ता काट दिए साले का। ए नाजिम जल्दी आ गया, चादर ले आया, ये पकड़ डंडा, सुन मेरी बात, मैं जा रही हूँ बुलाने, एक आवाज मत सुनिए, साले को मारिए, गाड़ फाड़ दूंगा साले की। आवाजें निकालने में एक्सपर्ट है, ये ध्यान रखिए। नाजिम से पहले बताइयो कि साले की पहले टांगे तोड़िए। रे नाजिम गेट खोल, इसकी बहन का, अरे बाप रे, ना घुरिया है साला, चैन की आवाज निकल लिया, नहीं तो आज देख ही लूंगा। क्या बहन अरे बस कर नाजिम, जहन लुक एट हिम, मुझे थोड़ी पता तू खड़ा है वो, चल छोड़। वैसे मेरे पास एक प्लान है, कालुआ के लुंडे को तो अपन मार नहीं सकते, तो क्यों ना बीबी जी को मारे और बेहोश कर दे एक दिन के लिए। कालुआ का लुंडा आगा, बीबी जी मिलेंगे नहीं, अपन बच जाएंगे घर से निकलने। ये ले राडे चलेंगी राडे, अरे बाप रे बाप, बीबी जी के जाति गर्दन पे मार दिए, यहाँ मुंह फाड़ दूंगा मैं तो, जाति मारूंगा तेरा पता नहीं, बस मुझे देखते देखते तू देख, मुंह फाड़ दूंगा बीबी जी का, गांड फाड़ दूंगा। के डम डम बाजे ढोल, ओ हैप्पी डांडिया बाबा जी, ओ डांडिया बीबी जी, चलते हैं हम, एकदम बदल गए, चल गए डांडिया, साले चूतिया तो ना हो गए। तेरी फट गई, मेरी फट गई, बीबी जी को कुछ देर मारता मैं अगर गाना ना चलाता तू वाला, साले नाजिम अब कैसी देख रही है, मुंह फाड़ दूंगा, अरे कद्दू मुंह फाड़ देगा, बीबी जी ब्लैक बेल्ट में चैंपियन है, मेरे कद्दू के चैंपियन है, 70 रुपए खरीद के लाए काले रंग की बेल्ट, कहाँ से, दुकान पे से, मुझसे तो कह रहा है वो जीत के लाए, ए चल 70 रुपए के लिए, मैं बताइए बहुत ही मारूंगा मैं जाती मार रही हूँ बीबी जी, मैं डरूंगा इस बार, मुंह फाड़ूंगा डायरेक्ट, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओ क्या एंगर है, देखते हैं मार पाता है कि नहीं। ओहो बीबी जी ने, मुझे लगा ही बीबी जी ने मारा रहेगा, मैंने कही ना बीबी जी ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, तेरी कसम मैंने खुद देखा 70 रुपए की खरीदते हुए। अरे मारते हुए चाय गिर गई, अरे अरे चाय चाट रिया, मार बात में रिया, मार बात में रिया, आज में प्लान आया इससे, बीबी जी बाहर लंगर बट रिया। इतने जोर का भागा बीबी जी, सीरियसली गाइस इतना ज्यादा हद कर दी ना ये वाले वीडियो में, मतलब छोटा सा वीडियो था लेकिन काफी ज्यादा मजा आई, एक एक कैरेक्टर ना इन लोगों का, नाजिम जैन वसीम तीनों भी आउटस्टैंडिंग है, और वसीम ना मतलब पता है वसीम का क्या लुक जो है ना, ऐसा लगता है एकदम अट्रैक्शन एक तरह का लगता है, और जैन तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और नाजिम भी आज कम नहीं लग रहा था, बहुत बहुत मजा आया मुझे आज की वीडियो में। आप लोग ने इंसेप्शन का कंटिन्यूसली मुझे कमेंट किया था, दैट्स वाई मुझे ये चूज करना पड़ा, और बाकी कई सारी वीडियोस पे मैंने रिएक्ट कर चुका है, तो अभी कुछ ही वीडियोस बची होगी, बट रमजान आने वाला है तो कंटेंट मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, सो दैट्स वाई। ओके स्टार्टिंग का सीन इतना ज्यादा फनी था, मतलब मैंने पूरे पूरे ही एपिसोड में, पूरे सीन में मैंने हंसी हूँ, अभी तक मेरे माइंड में सीन चल रहा है। एक तरह का आगाज जो बताया गया ना, मतलब मस्त मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। गाइज आई होप कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन इस पर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो।
अच्छे अच्छे कमेंट कर देना और कमेंट में बता देना. सो यही था आज का वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.